दुख ए बात के बाद लोग कहे लगे खेसारी लाल यादव विवाद करता है, विवाद में रहना मुझे पसंद है, इन लोगों को लगता है। खेसारी लाल यादव ऐसा गाना गा करके अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? जो खेसारी लाल यादव का बोलबम सॉन्ग आया है एक नंबर लोटा यार लहा ये दो नंबर लोटा भतार लहा, ऐसा गाना एक छोटे कलाकार भी नहीं गाते हैं और बड़े सुपरस्टार होने के बाद में खेसारी लाल यादव ने ऐसा गाना गाया है और ऐसा कारनामा करके खेसारी लाल यादव क्या साबित करना चाहते हैं? निचता वाला काम किया है खेसारी लाल यादव ने ऐसा गाना गा करके, अश्लील गाना गाए हैं खेसारी लाल यादव सावन के स्पेशल बोलबम सॉन्ग में, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है कि लोग भी सुन करके हैरान हो जा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद में इतना घिनौना काम किए हैं कि सुन करके लोग भी हैरान हो जा रहे हैं इस गाने के। और ऐसा गाना खेसारी लाल यादव को नहीं गाना चाहिए था, खेसारी लाल को एक सावन का सुंदर और अच्छा गाना गाना चाहिए था, लेकिन ऐसा गाना गा दिया खेसारी लाल यादव ने और शर्म से शर्मसार हो चुके हैं इस गाना को लेकर। ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग किया है कि लोग भी सुन करके हैरान हो जा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार एकदम सुपर स्टार बड़े पद पर होने के बाद में भी ऐसा गाना गाए हैं और लोगों ने इस गाने को बहुत ही बेसब्री से इंतजार किए थे और जब गाना आया तो गाना सुन करके लोग भी हैरान हो चुके हैं। और इस गाने में जो कि एक्ट्रेस है रानी एक्ट्रेस जो कि एल्बम गाने में काम करती है और वैसे ही गाना खेसारी लाल यादव ने रानी एक्ट्रेस के साथ मिलाए और इस गाने का जो कि राइटर है कृष्णा बेदर्दी है और कृष्णा बेदर्दी ने ही ऐसा गाना लिखा है और खेसारी लाल यादव ने इस गाना में अपना आवाज दिए हैं, इस गाने को गाए हैं। तो खेसारी लाल यादव को भी सोचना चाहिए था कि ऐसा गाना मैं क्यों गाऊं, मैं तो एक बड़े सुपरस्टार हूं और ऐसा गाना मैं क्यों गाऊं, पब्लिक को ऐसा गाना पसंद नहीं पड़ेगा और ये अश्लील गाना है, ऐसा गाना हम नहीं गा सकते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने ऐसा गाना बना ही दिया है और लोग इस गाने को विरोध कर रहे हैं। आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अच्छा लगा होगा तो। धन्यवाद।